अच्छा, इसके बाद जो एक चीज उधर थी वो थी डेफिशिएंसी रिपोर्ट। ठीक है, डेफिशिएंसी रिपोर्ट मैं दिखाती हूँ। डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती है, डेफिशिएंसी रिपोर्ट होती क्या है, डेफिशिएंसी रिपोर्ट में ना हम देखते हैं कोई भी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक प्रोडक्ट जिस तरह से ये ओपन हुई थी अमेजोन की, ठीक है, हम प्रोडक्ट की देखते हैं पिक्चर क्वालिटी देख रहे होते हैं। जैसे मतलब ऐसे ही मैं सर्च कर रही हूँ, ठीक है, अब की पिक्चर क्वालिटी देख रही हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगी ये पिक्चर क्वालिटी, ठीक है, मैं फिर इसके अबाउट में आके देखती हूँ, मुझे थोड़ी सी इसकी वर्डिंग कहती हूँ नहीं थोड़ी, अगर इसको मैं इस तरह से करना चाहूँ तो इस तरह से, अगर ये लोग ब्रांड वाले करें तो हो सकते हैं इनकी और मतलब सारी टाइटल चीजें आ जाए। फिर ये यहाँ से टाइटल्स वगैरह यहाँ से देखें, अगर टाइटल मैं कहती हूँ टाइटल थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते होते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट में हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सी कहाँ पे डेफिशिएंसी है, कहाँ पे कोई वो चीज़ को लैक कर रहा है, कहाँ पे कोई चीज़ हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए। तो डेफिशिएंसी रिपोर्ट में हमारे पास होते क्या है, ये इन चीज़ों, ये वाली फिलहाल छोड़ने, मैं डेफिशिएंसी रिपोर्ट इधर से दिखाती हूँ बाकायदा। ये एक बनी हुई है, ठीक है, ये डेफिशिएंसी रिपोर्ट है, ये एक प्रोडक्ट की थी, ठीक है, प्रेस्टो की है, उसकी हम लोगों ने बता दी क्या क्या चीजें, ठीक है, उसकी जो अबाउट उधर गिवन थी वो लिख दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस प्रोडक्ट की डिटेल में जाके देखा कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे थे। जो नेगेटिव कमेंट्स थे उनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे ऐड कर दिए कि ये नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, ठीक है, नेगेटिव कमेंट की जो रीजनिंग हमें लगी है कि क्या रीजन है वो। फिर उसके बाद हमने एक हेडिंग देनी है, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। इसमें ये होता है व्हाट कैन वी डू फॉर यू में कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी लिस्टिंग को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, या हम थोड़ा टाइटल चेंज कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं, वो चीज़ें हम बता देते हैं, ठीक है। फिर वाई वी डूइंग दिस, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके ब्रांड की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या उनकी जो सेल्स है वो बढ़ जाए, ठीक है, ये मेन रीज़न हो जाए। और व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एक्सपेक्ट का ये होता है कि वो हमें एक मतलब जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमें कोई वो अपनी प्रोडक्ट अलाउ कर देंगे, हम उसको होल सेल पे डायरेक्टली ब्रांड से ही लेके आगे सेल करते हैं, क्योंकि जो ब्रांड से प्रोडक्ट लेते हैं वो हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है होल सेल पे, बनिस्बत अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लें, ठीक है, मतलब ब्रांड पे। और हमें जिस तरह लेट्स सपोज वो जो प्रोडक्ट हम देख रहे थे यहाँ पे, ये $25 की जो एक प्रोडक्ट मिल रही थी हमें वेब स्टोरेंट पे, ये अगर ये मैं डायरेक्टली इस ब्रांड से जाके लूँ ना कार्निवल किंग से, ठीक है, और मुझे वो दे दें तो वो क्या होगा, वो उससे थोड़ी और कम होगी, $25 और कम होगी, लेकिन ब्रांड्स ने अपनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखी हुई होती है, इसी वजह से फिर हम अगर उस क्वांटिटी पे नहीं लेते तो फिर वो हमें नहीं लेने देती, वो हमें कहती है कि फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले लो या कुछ इस तरह कर लो, ठीक है। तो ये मतलब सारी चीज़ें थी डेफिशिएंसी रिपोर्ट में, यही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या नेगेटिव चीज़ आ रही है, ठीक है, लोगों को क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स में लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, किसी पैकेजिंग में कहीं इशू आ रहा है या फिर किस चीज़ का मसला है, डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी हुई, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कोई एक मटेरियल है और दे वो कुछ और रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मतलब हम लोगों ने हाईलाइट करनी है और किसी भी ब्रांड को बना कर दे देनी है, वो डेफिशिएंसी रिपोर्ट उनको मेल कर देनी है। उससे ये होता है कि वो अब ऑब्वियसली जब डेफिशिएंसी रिपोर्ट देंगे तो वो तो पहले तो हमें फ्री में ही देनी पड़ेगी ना डेफिशिएंसी रिपोर्ट, क्योंकि ब्रांड ने तो हमें नहीं कहा कि आप मुझे डेफिशिएंसी रिपोर्ट बना के दो, तो हम खुद दे रहे हैं, वो हम क्यों देते हैं, ताकि ब्रांड आगे हमें कोई प्रोडक्ट जो है वो होल सेल पर अपनी हो सकता है दे दे, अगर हम उसके साथ आगे निगोशिएट करें उससे और बातचीत करें तो वो हमें प्रोडक्ट अपनी दे सकता है। तो डेफिशिएंसी रिपोर्ट का मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग कॉन्टैक्ट से ब्रांड से कॉन्टैक्ट करें, उनको पहले तो उनकी चीज़ें बताएं कि ये इस तरह से है और अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके लिए इस तरह से काम कर सकता हूँ। अगर वो ब्रांड अच्छा है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा फ्री में काम ना करो, मुझे ये लिस्टिंग जो है वो इतने अमाउंट में, इतने डॉलर्स में जो है वो करके आप दे दें, चेंज करके दे दें, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी रिपोर्ट की जो बात हुई है वो ये थी। इसके अलावा जो थी क्लास 5 में ये फीड एनालिसिस, ठीक है, फीड एनालिसिस में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक ब्रांड है, मैंने उसको उसकी डेफिशिएंसी रिपोर्ट किसी प्रोडक्ट की मेल कर दी, मैंने कहा ये आपकी ये गलतियां, इन गलतियों को इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें ठीक करके आपको सेंड कर देती हूँ, मेल करती हूँ, ठीक है, मैंने उसको मेल करके दे दी, ब्रांड खुश हो गया, ठीक है। फिर अब मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप मुझे बेशक अगर पे नहीं करते, आप मुझे पे ना करें, लेकिन आप मुझे अपनी सारी प्रोडक्ट लिस्ट दे दें कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है। अब जब वो लिस्ट देता है ना तो उसमें उसमें उस प्रोडक्ट के पूरे एसिन होगा, लिंक होगा, किस कैटेगरी से है, उसकी सेल्स कितनी जा रही है, उसके क्या कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितने सेलर्स हैं, वो सारी चीज़ें उठा के वो हमें
दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेन हमारे पास जो डेफिशिएंसी रिपोर्ट का मेन पर्पस होता है ना, वो हम इसलिए जाते हैं कि हम इसलिए नहीं कहते कि हमें इसलिए हम उसको सही करके दे रहे हैं तो वो आगे से पे करे। अगर वो पे भी नहीं करता तो बस हम उसके कहते हैं कि आप एक काम करें, आप अगर हमें पे नहीं करें तो आप अपने हमें हमें पूरी फुल प्रोडक्ट की जो लिस्ट है, स्कैन लिस्ट, वो मुझे सेंड कर दे। तो वो एक एक्सेल शीट अगर ब्रांड सेंड करता है तो करना चाहे तो वो कर देता है। एक्सेल शीट इस तरह की शीट होती है, ठीक है। उसके ऊपर आराम से जो है पूरी फुल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो लिस्ट हुई हुई होती है। प्रोडक्ट फाइंड करने का वही तरीका है जिस तरह मैंने बताया कि हम लोगों ने किस तरह से प्रोडक्ट को जाना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक जो चीज थी, यही गेटेड अनगेटेड कैटेगरीज है। अनगेटेड में नहीं आना, गेटेड में हम लोगों ने जाना है, ठीक है। और क्लास 6 में जो चीज थी वो पूरी फुल शिपमेंट के बारे में उन्होंने बताई थी कि शिपमेंट किस तरह से होता है, ठीक है। और शिपमेंट ये है कि वो तभी करते होंगे जब हमारे पास क्लाइंट है, तो फिलहाल हमें भी शिपमेंट इतनी डिटेल से नहीं करवाई। जब वो करवाएंगी ना, उन्होंने कहा था कि जब शिपमेंट होगी तो वो आप लोग फिर मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे कि किस तरह से करनी है। ये सारी चीज़ें क्लास 5 और क्लास 6 की।